नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन सोट के ब्रांड न्यू एपिसोड में। और ये एपिसोड होने वाला है एपिसोड नंबर 28। एंड इस एपिसोड में यार हम बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन पकड़ने वाले हैं। हम पकड़ेंगे ड्रैगापुल्ट को, जो कि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी है। उसके साथ साथ भाई एक बहुत ही इंटेंस बैटल होने वाला है, क्योंकि हम अभी फाइनल्स बैटल भी करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने बेड़े को हरा दिया था, इसके बाद कोई जिम लीडर है अपना नेक्स्ट चैलेंजर, देखते हैं कौन है। और हाँ यार, जो चैनल में नए आए हो उन्हें मैं सबसे पहले बता दूं कि यार मैं ऐसे ही पोकेमॉन गेम से रिलेटेड कंटेंट्स बनाता रहता हूं। अभी तो हम पोकेमॉन सोर्ड खेल रहे हैं, बाद में लेट्स गो पिकाचू, स्कारलेट वायलेट ये सब खेलेंगे। सो यार, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। तो चलो यार, बेड़े को हरा दिया, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैलेंजर कौन है। सो पहले हम बैटल करेंगे, ड्रैगापुल्ट को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि यार हमारा जस्ट ही मैच रहा था। और यार इस मैच में थोड़ा मेरी पिटाई होने के बाद मुझे याद आता है कि यार मुझे और भी बढ़िया बढ़िया पोकेमॉन्स पकड़ने होंगे। तो चलो देखते हैं अभी कौन सा चैलेंजर। अरे ये तो नेसा है यार। अच्छा, नेसा है हमारी नेक्स्ट चैलेंजर। एंड ये क्या भाई, हाँ मैं तो स्ट्रांग हो गया और तुम्हारा क्या भाई। एंड ये क्या यार, ये तो बोल रही है ये लियोन को भी हराएगी और मुझे भी हराएगी। यार यार लगता है इस फाइनल्स मैचअप में सारे के सारे जिम लीडर फायर्ड अप है। ऐसे इसके सारे पोकेमॉन्स वाटर टाइप्स होंगे, सो हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास भाई, अरे ये क्या भेज दिया भाई, गोलियो स्पॉट, ये कैसा पोकेमॉन है ब्रो, ये तो बहुत हमको क्या बोले एलियन की तरह दिख रहा है। ये क्या यार, ये बोल रही है यार सोनिया डिसअपॉइंट हो सकती है, लेकिन मैं तो तुम्हें वॉश करके रहूँगी। यार इतना कॉन्फिडेंस, तो चलो हम भी कॉन्फिडेंस दिखाते हैं भाई। ब्रिक ब्रिक मारा लेकिन डैमेज ही नहीं दिया, ये कैसा पोकेमॉन है भाई। अरे यार लिक्विडेशन इतना कैसे हर्ट कर सकता है यार। चलो ब्रूटल स्विंग मार के देखते हैं भाई। ओके, इमरजेंसी एग्जिट, ये क्या था भाई। अच्छा अच्छा, कोई एबिलिटी होगा। और इसका नेक्स्ट पोकेमॉन रहता है फेलिपर। यार फेलिपर बहुत कॉमन टाइप का पोकेमॉन। और ये क्या भाई, इसने तो बारिश करा दिया, सो हम मारेंगे इसे लीफ ब्लेड। अरे मैं तो भूल ही गया था, अपने सरफेस के पास लीफ ब्लेड, देखो क्या ही क्रिटिकल हिट दिया। और ये टेलविंड मारता है, इससे शायद डैमेज होगा हाँ, लेकिन ये शायद नेक्स्ट अटैक में हम एड करेगा। सो हम मारते हैं। अरे भाई इसके पास रूस्ट कैसे आ गया यार, ये थोड़ा अनोइंग होने वाला है यार। ये ऐसा ही एचपी रिगेन करता रहेगा तो हम क्या करेंगे भाई। भाई भाई क्या बोले, सरफेज के सामने भाई तुम ये रिकवर उकवर यूज़ ही नहीं कर सकते यार। कैसा क्रिट हिट मारा भाई, उसे वन शॉट कर दिया एकदम। और भाई आ गया गोलियो स्पीड, गोलियो स्पॉट भाई। इसे देख के लग रहा है मुझे ये बग टाइप होगा और वाटर टाइप होगा। देख रहे हो, वाटर टाइप अटैक मार रहा है, लिक्विडेशन। और भाई यार इसने तो हमारी बैंड बजा दी यार। अच्छा चलो स्टिलिक्स को, अरे यार क्या भेज दिया भाई, कैसा बेवकूफ़ हूँ यार, स्टिलिक्स तो पिटा जाएगा इससे। तो मैं सोच रहा था ये बग टाइप है, सो इसे स्टोनेज मार के देख रहा था, लेकिन यार इसने तो लिक्विडेशन मार दिया भाई, क्या डैमेज दिया यार। साथ ही साथ अपना डिफेंस भी गिर गया, ये स्टोनेज लैंड हो जा भाई, बहुत सही यार। फाइनली ये गोलियो स्पॉट चला गया भाई। ब्रो नेसा का फर्स्ट पोकेमॉन तो यार बहुत ही खतरनाक टाइप का निकला। और चलो फाइनली यार ये पानी तो बंद हो गया। और इसका नेक्स्ट पोकेमॉन रहता है बैरास केवड़ा। अच्छा ये मछली टाइप का पोकेमॉन। अच्छा ये तो फुल वाटर टाइप है, सो इसे क्या मारे, इसे स्लैम मारते हैं भाई। अरे यार फिर से लिक्विडेशन भाई, ऐसा तो यार सही में हमें धो रही है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सो हम भेजेंगे भाई रिला बूम को। अब बताते हैं निशा को, बहुत बुली कर रही थी ना हमें, हमारे पास भी ग्रास टाइप है, सो हम यूज़ करेंगे यार ग्रास फ्लेज। और ये क्या आइस फैंग कहाँ से लेके आ गया भाई। भाई यार हम फ्लिंच हो गए, हम नहीं अटैक कर सकते भाई, ये क्या हो रहा है यार। निशा तो सही में बहुत, ये फिर से फ्लिंच हो गए यार, कैसे खेलूँ मैं भाई, हर बार मुझे अटैक ही नहीं करने दोगे। तो चलो यार फाइनली एक ग्रास फ्लेज लैंड हो जाओ भाई। भाई भाई इसी का ज़रूरत था यार, लेकिन देख रहे हो चैलेंज कितना डिफ़िकल्ट हो गया यार। पहले हम इन सबको इतना इजीली हरा देते थे, और अभी तो यार ये हमें इतना इजीली हरा दे रहे। इसका नेक्स्ट पोकेमॉन रहता है सीकिंग, सो हम नहीं स्विच करेंगे, मैं फिर से एक ग्रास फ्लेज मारता हूँ। और भाई क्या ही डैमेज दिया। चलो लो हेल्थ में है, बट रिलाबूम भाई मैच को जैसे तैसे संभाल ले रहा है। और इसका नेक्स्ट पोकेमॉन रहता है ड्रेडनो, ये शायद इसका फाइनल पोकेमॉन है। हाँ देखो, आई हैव बीन सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट। अच्छा ऐसा क्या, ये इनका बेस्ट पोकेमॉन है, बेस्ट एंड लास्ट पोकेमॉन है, तो समय आ गया यार डायनामैक्स करने का। सो हम भी करेंगे डायनामैक्स, क्योंकि ऑफकोर्स भाई वो भी करने वाली है। और ऐसे तो मेरा लो हेल्थ है, लेकिन डायनामैक्स होने के बाद हमारा कुछ हद तक हेल्थ बढ़ जाता है। एंड थोड़ा मैं लक में भी छोड़ दे रहा हूँ कि यार ड्रेडनो कोई आइस टाइप अटैक ना मारे बोल के भाई वरना यार वन शॉट हो जाएगा रिलाबूम, पता चला मारने से पहले ही मर गया। एंड इसका ड्रेडनो भी यार जिजेंटा मैक्स हो सकता है यार, कब मुझे जिजेंटा मैक्स वाले पोकेमॉन्स मिलेंगे। इनके सिग्नेचर मूव्स का तो यार मैं फैन हूँ, देख रहे हो कितना खतरनाक दिख रहा है भाई। और ऊपर से दो पैर में खड़ा हो गया यार,
ये तो खतरनाक है। और भाई आंखें देख रहे हो यार, एकदम रेड रेड है पूरी की पूरी। और हम उस यूज़ करेंगे मैक्स ओवरग्रोथ, देखते कितना डैमेज देता है। भाई 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 लगता है यार रिलाबूम को इन्होंने ज़्यादा ही टीस कर दिया भाई, वन शॉट कर दिया इसे तो यार पूछो ही मत। और नेसा क्या हो गया, हमें वॉश करने वाले थे। चलो नेसा को तो हमने वॉश कर दिया यार, एंड अब देखते हैं भाई एंड में क्या बोलती है ये। एंड चिल चिल गर्ल यार, ऐसा मत रिएक्शन दो भाई, रिंकल्स आ जाएंगे। एंड कम ऑन यार क्राउड, और थोड़ा हल्ला करो यार, इतना बढ़िया मैंने तुम्हें मैच दिया। हाँ अब ना सही है भाई। और देखो ये भी भाई बोल रही है, यू एंड योर पोकेमोन वेयर टू मच। सही में यार, लेकिन सही में भाई तुम्हारे बैटल की वजह से भाई मेरी आंखें खुल गई। और ये देखो भाई ये मैचअप, तो ये फिक्सचर देख के मुझे लगता है हमारा नेक्स्ट बैटल होगा बी से, और फाइनल बैटल या तो रेहान या फिर पियर से होगा। सो यार थोड़ी हमारी आंखें खुल गई है, तो चलो अब चलते हैं भाई यूनिक पोकेमोन हंटिंग में। सो मैं आ जाता हूँ वाइल्ड एरिया में, क्योंकि यहीं पे भाई बहुत ही लेवल्ड अप पोकेमोन्स तो मिलते हैं, ये साथ में बहुत ही यूनिक टाइप के पोकेमोन्स भी मिलते हैं, देखते हैं क्या मिलते हैं। और ये क्या भाई, ये तो वो वाला पोकेमोन है एजिस्लैश, एजिस्लैश का मिड छोटा वाला फॉर्म है, छोटा नहीं शायद मिड वाला फॉर्म है, एंड या तो बहुत खतरनाक वाला सैंडस्टॉर्म हो रहा है। सो यार जो भी हो भाई इसे तो ज़रूर पकड़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार मुझे और एक पोकेमोन रख लेना होगा। मैं सोच रहा हूँ साइनोटिक को भी रख लूँ, क्योंकि उसके पास स्लीप लिप है, उसको रखेंगे तो फिर यार पोकेमोन को सुला कर पकड़ने में थोड़ा इजी होगा, कैचिंग रेट अच्छा रहेगा उससे अपना। सो चलो देखते हैं भाई एजी स्लैश नहीं यार, इसका नाम डबल ब्लेड है, क्या हम इसे पकड़ पाते हैं कि नहीं वो तो अभी पता चलेगा। लेवल कितना है इसका यार, मैं एक्साइट, अरे यार 56 लेवल का, इसे तो पकड़ेंगे। सो सबसे पहले चलो सुला लेते हैं, यौन मार दिया है। और ये भाई यूज़ करता है सो डांस, अपना अटैक बढ़ा रहा है और शायद डिफेंस, नहीं बस अटैक ही बढ़ा, मुझे याद नहीं था इसका टाइप, इसलिए मैं सोच रहा था यार क्या मारूं, तो सोचा चलो मेट्रोनोम देखते हैं यार कोई अटैक वटैक मिल जाए। और भाई फ्लेल मिला जो कि अफेक्ट ही नहीं करता। और ये भाई कोई पावर ट्रिक यूज़ किया यार, अपना ये स्विच कर लिया अटैक और डिफेंस मेरे से शायद, अच्छा चलो अब तो सो गया भाई। चलो यार फिर से मेट्रोनोम मारते यार, इस बार कोई सही अटैक दे दो। टोगेकिस यूज्ड हेल भाई, ये कॉमेडी हो गया, लेकिन यार इन्फ्लुएंस देख रहे हो टोगेकिस का यार, सैंडस्टॉर्म में उसने हेल का मज़ा दिला दिया भाई, ओले गिरने लगे यहाँ तो। और चलो यार लेकिन दोनों को हर्ट हो रहा है, सो यार हम अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सो डैजलिंग ग्लीम मारता हूँ, और भाई अच्छा डैमेज दिया, लेकिन नेक्स्ट अटैक थोड़ा सोच समझ के करना होगा वरना हम इसे मार देंगे। ऐसे हेल्थ इसका लो हो गया तो हम ट्राई कर सकते हैं पकड़ना, तो चलो यार मैं सब पोकेबॉल ही यूज़ कर रहा हूँ, देखता हूँ पोकेबॉल से पकड़ाता है कि नहीं, एंड लग तो रहा है पकड़ा जाएगा फर्स्ट टाइम ही। और भाई इससे ना बोलते हैं भाई, ये तो ओपी कैचिंग हो गया यार, फर्स्ट टाइम में ही पकड़ लिया हमने। सो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा यूनिक पोकेमोन मिलता है हमें यहाँ। एंड डैम ब्रो यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम चलेंगे भाई वो देखो लेक ऑफ आउटरेज, यही वो लोकेशन है जहाँ पे ड्रैगन टाइप पोकेमोन्स मिलते हैं। और भाई यहीं पे हमें ड्रैगापुल्ड भी मिलेगा, क्योंकि यही एक इकलौता लोकेशन है जहाँ पे तुम्हें ड्रैगन टाइप्स मिलते हैं। और ये कौन सा पोकेमोन है भाई, ये ऑक्टोपस टाइप का, इसे नहीं पकड़ेंगे यार, लेकिन देखने में तो बहुत फियर्स लग रहा है। यहाँ आइटम उठा लेते हैं और भाई भाग लेंगे वरना, अच्छा यहाँ फोकस सैश मिला बहुत सही। और ये क्या, यहाँ तो अरैकनेड और बहुत सारे कूलर है यार, अरैकनेड तो अपने को नहीं चाहिए तो इसे हटाओ भाई, चलो हट गया। और ये क्या भाई, ये वाइल्ड एरिया में वेपोरियन है, वाह भाई चलो यार इसे पकड़ लेंगे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि वेपोरियन जब आया था ना मेरा तो फेवरेट था भाई, वो सारे तीनों स्टार्टर से फ्लेरियन जोल्टियन और वेपोरियन, ये मेरा बहुत फेवरेट था। तो चलो इसे सुला लेते हैं। और ये भाई मडी वाटर मारता है, मुझे नहीं लगता इफेक्ट करना चाहिए भाई, कर गया यार इतना डैमेज। सो मैं इसे मारूंगा यार डैजलिंग ग्लीम, यार मर मत जाना भाई, एंड ब्रो चलो यार बहुत सही। और ये फिर से यार मडी वाटर मारता है भाई, अपना टोगेकिस तो गया। कोई कोई वाइल्ड पोकेमोन्स यार कतई ही क्या बोले भाई, ट्रेनर से भी बढ़िया खेल देते, देख रहे हो यार इतना खतरनाक अटैक किया कि दो हिट में यार टोगेकिस को ले गया। और भाई मैं भेजता भी हूँ गधे की तरह स्टीलिक्स को, क्या ही बोलोगे यार। चलो इसे एक स्लैम मारते हैं, ऐसे सोया हुआ है नहीं अटैक करेगा अभी, एंड यार अवॉइड कर लिया, सोया हुआ है फिर भी। और भाई वो कब भी हो, और ये क्या भाई हाइड्रो पंप यार, देख रहे हो कितना ही बदमाश है भाई, ऐसा कौन करता है यार, सीधा साधा स्टीलिक्स को हाइड्रो पंप मार दिया भाई, वो भी सुपर इफेक्टिव वाला अटैक। तो चलो सरफेस को भेजते हैं, तो क्या मारे यार लीफ ब्लेड, अरे यार लीफ ब्लेड नहीं मारना था भाई, ब्रेक ब्रेक मारना था। और भाई कर दी हमने गलती, अब हम इसे नहीं पकड़ सकते यार, अभी तो नहीं पकड़ सकते। और अब एक दो तीन चार कितने दिन में ये स्पॉन होगा ये मुझे भी नहीं पता भाई यार,
क्या बोले यार, इतना बढ़िया मौका मिला था, हमने मिस कर दिया। खैर कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पोकेमॉन क्या मिलता है। और यार हमें मिल जाता है एक डिटो। यार ये पोकेमॉन जब आया था तब तो यार इसने बवाल मचा दिया था यार एनीमे में। भाई क्या ही पोकेमॉन था यार, कोई भी पोकेमॉन का रूप ये ले लेता था और भाई उसके अटैक्स भी मारता था। और देखो इस बार भी वही वही चीज़ कर रहा है यार, टोगेकिस में बदल गया और शायद से यार मेरे अटैक्स उसके पास भी हो गए। सो मैं इसे एक एंशिएंट पावर मारता हूँ और भाई कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे दिया मैंने। और वो मेट्रोनोम यूज़ करता है और भाई सिंथेसिस यूज़ करके यार सारा जो मैंने डैमेज दिया था भाई वो ले लेता है वापस। अच्छा उतना ज़्यादा नहीं से हील हुआ, खैर कोई नहीं। एंड ब्रो मैं फिर से गलती कर देता, मैं फिर से इसे डैजलिंग लेम मार के भाई फेंट करा देता यार, क्या बोलोगे यार। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, हम सेकंड ट्राई में हमें बहुत जल्दी डिट्टो मिल जाता है इसी जगह पे और सेकंड ट्राई में हम इसे पकड़ ही लेते हैं। ये पोकेमॉन हंट तो बहुत मज़ेदार निकला यार, हमने दो बहुत ही यूनिक टाइप के पोकेमॉन्स पकड़ लिए। तीसरा मिला था यार, और ये क्या है भाई, ये कैसा रोटोम टाइप का पोकेमॉन। अरे यार ये तो रोटोम है और ये इसका टाइप मुझे पता नहीं चल रहा, बरसात हो रही है मतलब होगा ये क्या बोलते इलेक्ट्रिक टाइप का होगा और नहीं पता। और ये सब्स्टिट्यूट स्पैम मारा यार, ये मैंने नहीं झेल सकता क्योंकि सीरियसली इस पोकेमॉन को पकड़ने में यार 3 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम लग गया। सो इसे हटाओ यार, भाई उतना भी यूनिक टाइप का पोकेमॉन नहीं है ये, लेकिन है रखने के लिए है। सो पकड़ लेते हैं इसे। एंड गाइस फाइनली वो समय आ गया, 10 से 15 मिनट के भाई हैवी ग्राइंडिंग के बाद हमें ड्रैगलॉक मिलता है। ये ड्रैगापुल से जस्ट नीचे वाला एवोल्यूशन लाइन है, मतलब कि मिड वाला एवोल्यूशन है। सबसे पहला इसका ड्रेपी होता है शायद। एंड यार ये एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, साथ में साथ घोस्ट टाइप भी है, देख रहे हो। ये भाई मुझे ये मारता है, फैंटम फोर्स मारता है। और भाई हम इसे सुलाने का सोच रहे थे यार, लेकिन ये तो अटैक ही अवॉइड कर लिया भाई। एंड ये पोकेमॉन भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है, जैसा कि तुमने फर्स्ट जनरेशन में कंगस्खान देखा था जो यार हमेशा अपने एक बच्चे को कैरी करता है। इसके पास शायद 2-3 बच्चे रहते हैं यार, ये ड्रैगलॉक के पास तो एक ही है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है ड्रैगापल्ट के पास 2 या 3 रहते हैं इसके बच्चे भाई एक साथ में। एंड ये ड्रैगलॉक भाई अच्छा खासा भूत बन बन के हमें मार रहा था भाई। ये घोस्ट टाइप अटैक मिल जाता है तो इसके बाद तो ये भाई हीरो बन जाते, लेकिन खैर कोई नहीं, हमारा यौन लैंड हो गया था और भाई ये सो गया है। अब बस हमें कोई अच्छा अटैक करना है। सो मैं पिन मिसाइल मारता हूँ इसे, क्योंकि जान रहा था अगर डैजलिंग ग्लीम मारेंगे तो वन शॉट कर देंगे, इसलिए वो अटैक मैंने नहीं किया। ऐसे एंशिएंट पावर यूज़ कर सकते हैं, सो एंशिएंट पावर यूज़ करके देखते। और क्या भाई ये तो उठ गया यार, और इसने टेक डाउन कर दिया भाई भाई भाई। चिल ड्रैगलॉक ब्रो, चिल चिल यार, मर मत जाना यार भाई भाई, मुझे लगा हम इसे भी मार देंगे यार। नहीं 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 मारना है भाई, इतना मुश्किल से मिला है यार ये पोकेमॉन, पूछो ही मत। ऊपर से सूदो लेजेंडरी, ऊपर से ड्रैगन टाइप है, इसे तो कोई हाल में नहीं छोड़ सकते। सो मैं हाइपर पोशन यूज़ करके टोगेकिस को फुल हील कर देता यार, कोई रिस्क नहीं ले सकते हम। क्या पता इसे कोई ऐसा अटैक कर दे कि भाई फेंट वेंट हो जाए, ऐसे ही भाई फैंटम फोर्स बहुत गंदा डैमेज दे रहा था। सो यौन तो बचा नहीं है, सो अब भाई लक पे ही बचा है। सो अब बस पोकेबॉल फेंक के बस वेट करना है यार कि ये पकड़ा जाए। सो देखते हैं यार फर्स्ट टाइम पकड़ाता है कि नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता पकड़ाएगा। और भाई बहुत क्लोज था। एंड हियर कम्स द हार्ड पार्ट यार, ड्रैगन डांस मारने लगा, अपना स्टैट्स बढ़ाएगा, ये देख लो भाई, अटैक बढ़ा लिया, स्पीड बढ़ा लिया। अरे यार चलो कोई नहीं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं सिवा अल्ट्रा बॉल फेंकने के। एंड इस बार पकड़ा जा प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़। एंड अरे भाई ये तो बस जस्ट 1 सेकंड का था भाई। क्या लगता है यार हम पकड़ पाएंगे कि नहीं, मुझे तो अब डाउट लग रहा है कि नहीं पकड़ पाएंगे यार, लेकिन कोई नहीं फिर से ट्राई करेंगे। चलो अल्ट्रा बॉल कमाल दिखा, इस बार पकड़ा जाए यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड भाई यस 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 यार फाइनली। हाँ यार अभी मज़ा आएगा ना वीडियो, क्योंकि बहुत सारे ड्रैगन टाइप पुराने जनरेशन के ड्रैगन टाइप्स यूज़ किए थे। सो अब मन कर रहा था यार नए जनरेशन के भी ड्रैगन टाइप्स यूज़ करें। सो इसे हम यूज़ करेंगे इसे इवॉल्व करके, ये इवॉल्व होगा 60 लेवल में। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं पोकेमॉन गेम से रिलेटेड कंटेंट्स बनाता रहता हूँ, ये मैंने पहले ही बोल दिया लेकिन अभी भी बोल दे रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन द गुड्स द बाइज़।